एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के चंदौली पहुंची राहुल की न्याय यात्रा। नीतीश कुमार को लेकर लालू यादव का इधर बड़ा बयान भी आया है, वो आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले राहुल गांधी की न्याय यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर जो अब उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर चुकी है, चंदौली पहुंची है न्याय यात्रा। और बड़ी बात यह कि अब जब यूपी में प्रवेश की है तो यहां पर यूपी में आपको नजर आएगा, हो सकता है कि अमेठी में अखिलेश यादव राहुल गांधी का साथ दें। मानस श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ज्यादा अपडेट्स के साथ इस बड़ी खबर पर। मानस, चंदौली पहुंचे हैं राहुल गांधी, ये बताइए कब राहुल गांधी की यात्रा अमेठी पहुंचेगी और इंडिया गठबंधन का एक जो विस्तार है, ये जो साथ है जिस पर बार बार एक तरीके से बार हो रहा है, जब साथी छिटक रहे हैं तो उस साथ को और ज्यादा पुरजोर तरीके से दिखाने के लिए संदेश कब मिलेगा, कब अमेठी जाएगी यात्रा और क्या तैयारी है समाजवादी पार्टी की? देखिए अमेठी तो यात्रा दो दिन में पहुंच जाएगी, लेकिन मेरे हाथ में एक कैलेंडर है, उसमें लिखा हुआ है नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं और बाइक पर सवार है राहुल गांधी। देखिए उत्तर प्रदेश में यात्रा दाखिल हुई, ये पहला स्थान था और यहाँ से एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई, क्योंकि उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का जो समारोह हुआ प्राण प्रतिष्ठा का, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार माहौल बना रही है। तो ऐसे में आज इस मंच से जो हमारे ठीक पीछे देख रहे हैं, वहाँ पर राहुल गांधी ने अभी 2 मिनट पहले ये बोला कि अयोध्या में राम मंदिर का समारोह हुआ, उसमें क्या किसान नजर आए, मंच पर अमिताभ बच्चन नजर आए, अडानी और अंबानी नज़र आए, विराट कोहली और तमाम जो क्रिकेटर्स थे वो मंच पर नज़र आते हैं, लेकिन क्या इस देश का गरीब किसान वहाँ पर आमंत्रित किया गया था, क्या उसे वहाँ पर बुलाया गया था? उनका कहना है कि वो अन्याय के खिलाफ एक यात्रा निकाल रहे हैं। और यहाँ पर ख़ास तौर से ध्यान देने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश की सीमा में दाखिल होने के बाद उन्होंने इंडिया गठबंधन का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि इस देश में अन्याय के खिलाफ इंडिया गठबंधन लड़ सकता है, कांग्रेस लड़ सकती है, यानी वो इंडिया गठबंधन का नाम लेने से यहाँ पर नहीं चुके। थोड़ी सी जानकारी मैं आपको और दे दूँ कि आज यहाँ प्रियंका गांधी को शामिल होना था, लेकिन थोड़ी देर पहले उन्होंने ट्वीट किया, उनकी तबीयत खराब है। चंदौली से ये यात्रा शुरू हो चुकी है हमारे ठीक सामने, ये जो आप कारवां देख रहे हैं, जो भीड़ देख रहे हैं आप, दरअसल ये यहाँ से राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल हो रही है। चूँकि मैं भीड़ में फंस चुका हूँ इसलिए मैं आपको राहुल गांधी के पास की तस्वीरें नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये सारे लोग यहाँ से शामिल हो रहे हैं यात्रा में और यहाँ से निकल करके ये चंदौली में ही जाएंगे और उनका रात का जो पड़ाव है वो चंदौली और वाराणसी के बॉर्डर पर होगा। कल वाराणसी, उसके बाद प्रयागराज होते हुए, प्रतापगढ़ होते हुए 19 तारीख को अमेठी में ये यात्रा दाखिल हो जाएगी और ऐसी उम्मीद है कि वहाँ से प्रियंका गांधी इस यात्रा में शामिल हो जाएंगी। अमेठी एक बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष राहुल अखिलेश यादव वो भी इसमें शामिल हो रहे हैं, तो अमेठी और रायबरेली से एक बड़ा संदेश देने की, इंडिया गठबंधन की एकजुटता का संदेश देने की कोशिश होगी और ये पारंपरिक सीट है कांग्रेस पार्टी की, गांधी फैमिली की, लिहाजा वहाँ पर कांग्रेस पूरा दम दिखाएगी। तो जो सबसे ज्यादा आकर्षण होगा, मानस थोड़ा मैं आपको इसलिए रोकना चाह रही हूँ क्योंकि दिलचस्प है, जहाँ जहाँ राहुल गांधी जाते हैं वहाँ वहाँ उनको भरपूर प्यार मिलता नजर आता है। आप जब वहाँ पर इतनी भीड़ नजर आ रही है, हमें ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की इस यात्रा को भरपूर समर्थन मिल रहा है। अगर हो पाए तो जरा आसपास कुछ लोग हों उनसे बात कीजिए, ये सिर्फ राहुल गांधी को देखने पहुंचे हैं या उनसे उम्मीद करते हैं बदलाव की और इसलिए राहुल गांधी का साथ देने आए हैं। नहीं नहीं बिल्कुल, यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हैं और वो बात करना भी चाह रहे थे और मैं ज़रूर आपकी लोगों से बात करवाऊंगा। देखिए कांग्रेस का झंडा उठा करके ये यहाँ पर चले। आप कहाँ से आए हैं? हम सोनभद्र से आए हैं। सोनभद्र से चंदौली चले आए? नहीं नहीं, हाँ जी, क्यों नहीं, सोनभद्र कितना दूर है चंदौली से? तो ये बताइए कि राहुल गांधी को देखने आए थे या यात्रा में शामिल होंगे? यात्रा में शामिल आए, जहाँ तक राहुल गांधी चलेंगे वहाँ तक चलेंगे यूपी में। तो वो तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक जाएंगे? हाँ, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक हमारी पूरी टीम चलेगी। सोनभद्र से हजारों लोग आए हैं, हम लोग सब चलेंगे और राहुल गांधी के कदमों से कदम मिला के जब तक राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नहीं मिला तब तक चलता रहेगा आदमी। आप भी साथी में आए? हाँ, साथी में हम लोग हैं। अच्छा, तो राहुल गांधी को देखा? हाँ देखा। उनके भाषण से कुछ प्रभावित हुए क्या लगा? हाँ, बहुत प्रभावित हुए। जिक्र कर रहे थे कि अडानी अंबानी सबको बुलाया, किसानों को नहीं बुलाया राम मंदिर समारोह में। बात सत्य है कि किसानों को नहीं बुलाया गया, वहाँ आदिवासियों को नहीं बुलाया गया, आदिवासी प्रेसिडेंट को नहीं बुलाया गया, गरीबों के साथ बुलाया गया जी। हमारा फेवरेट जी राहुल गांधी को देखा? हाँ देखा, बात अच्छा लगा। भाषण लेके आए हो?
ये तो मैंने लिया था बस शौक। यात्रा का पास है? जी जी। साथ में सात चलोगे यात्रा में? हाँ हाँ हाँ, चलेंगे पड़ाव तक। पड़ाव तक जी, उसके बाद वहाँ से वापस? वापस है। तो ये क्या मिला है? ये मिस कॉल किया था उस पे मिला है। अच्छा, कैसे मिस कॉल? एक मिस कॉल? हाँ, एक मिस कॉल किया। जोड़ो न्याय यात्रा, रोजगार दो, न्याय दो, युवा कांग्रेस की जो मुहिम है उस पे एक मिस कॉल करने के लिए राहुल गांधी जी के फोटो के साथ ये हमारा एक सौजन्य रूप से इनको वितरण करने का, जी हाँ, गिफ्ट करने का जो प्रयास है कि लोगों तक ये संदेश, राहुल जी की मोहब्बत की दुकान लोगों तक, घर घर तक पहुंचाया जा सके, आपसी सौहार्द बनाया जा सके, उसी की एक मुहिम है रोजगार दो न्याय दो भारत। चलिए धन्यवाद। तो रोजगार दो न्याय दो इस नाम से ये मुहिम शुरू की गई, जिसमें राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जिक्र है और उसमें मोहब्बत की दुकान का जिक्र किया गया, एक संदेश देने की कोशिश की जा रही। कुछ तस्वीरें दिखाएंगे आपको अपने कैमरा मैन से, अगर दिखा सके। देखिए, वो राहुल गांधी वहाँ से निकल चुके हैं, आप ठीक सामने देखें उनकी गाड़ी जा रही है और पीछे आप एक बहुत बड़ा कारवां देख रहे हैं, बहुत काफ़ी भीड़ है वहाँ पर। और देखिए, फूल बरसाए जा रहे हैं। मैं चाहूँगा कि कैमरा को और जूम करके जहाँ तक हो सकता है अपने दर्शकों को हम दिखाएँ। ये तस्वीर ठीक सामने आप हमारे देख रहे हैं, हम कोशिश करेंगे और भी ज़्यादा करीब जाने की। मानस, ये बताइए, एकजुटता तो दिखाएंगे, ठीक है? और देखिए, कुछ जाहिर तौर पर इसका प्रभाव पड़ेगा, माना जाता है जहां जहां से यात्रा निकलती है प्रभाव पड़ता है। राहुल गांधी के व्यक्तित्व का भी प्रभाव पड़ता है, उनकी यात्रा का असर पड़ता है जनता के मूड पर। लेकिन बड़ी बात ये, वो जो 11 सीटें इससे ज्यादा नहीं देंगे, आप जब जयंत चौधरी वो एनडीए के साथ हो लिए और राहुल गांधी और अखिलेश यादव साथ में चलेंगे, तो उसका कितना प्रभाव होगा? ये जो सीटों का मार्जिन है, ये किस हद तक बढ़ सकता है? देखिए, 20 सीटों की डिमांड है, मैं आपको अपडेट कर दूं, 14 सीटों पर सहमति बन चुकी है जयंत चौधरी के जाने के बाद। तो यानी अब 14 सीटें तो मिल रही हैं, बाकी बची हुई सीटों पर मंथन चल रहा है। और ऐसा लगता है कि ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब उत्तर प्रदेश से एग्जिट करेगी, उससे पहले पहले सीटों का बंटवारा तय हो चुका होगा। एक कुछ तस्वीरें दिलचस्प आपको दिखाना चाहेंगे आशा अपने दर्शकों को। ये देखिए, आपको कुछ तस्वीरें, कुछ होल्डिंग्स नजर आ रहे हैं। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे और साथ में राहुल गांधी को आप देख रहे हैं कि वो जो एक उनका जो वीडियो वायरल हो रहा था, जब वो एक खेत के भीतर उतर गए थे, पानी तक आप देख रहे हैं, उनके पैर, उनके घुटने तक पानी है। ये तमाम कटआउट्स आपको देखिए, राहुल गांधी टी शर्ट में, जीन्स में, फिर प्रियंका गांधी। तो देखिए, ये पूरा एक माहौल तो यहाँ पर कांग्रेस के लोगों ने बना दिया है और एक कोशिश की जा रही है यहाँ से एक संदेश देने की। तो जहाँ जो आप जिक्र कर रही थी कि सीट शेयरिंग को लेकर के, तो देखिए अब हालात बदल चुके हैं। इस पर थोड़ा सा मैं आपको और अपडेट कर देता हूँ कि चूंकि अब ये यात्रा पहले कानपुर से होकर के झांसी और झांसी के बाद उसको मध्य प्रदेश में दाखिल होना था, ये कहा गया था कि बोर्ड परीक्षाओं के चलते यात्रा को सीमित किया गया, लेकिन अब स्ट्रेटजी में, रणनीति में परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन ऐसे हुआ कि अब कानपुर की यात्रा